राजा बेन स्वभाव से नास्तिक हैं, भगवान में उनका विश्वास नहीं, इसलिए उन्होंने ये घोषणा करा दी कि ना यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजह क्वचित इति नवार्यत धर्मम भेरि घोषेण सर्वशः। मेरे राज्य में ना कोई यज्ञ करेगा, ना कोई दान करेगा, ना कोई जप करेगा, ना कोई मांगलिक कार्य करेगा, राजा ही भगवान होता है, मैं ही भगवान हूं, इसलिए मेरा पूजन करो। चारों ओर घोषणा कराई और लग गई पाबंदी भगवान के भजन पर। महाराज, संतों ने मन में विचार किया कि यदि भगवान का भजन नहीं होगा तो धरती पर चारों ओर पाप ही पाप होगा। यदि यज्ञ ना होंगे, यदि मांगलिक कार्य ना होंगे, तो देवताओं की पुष्टि कैसे होगी, देवताओं को बल कैसे मिलेगा। इसलिए आज संतों ने सोचा कि हम राजा वेन को समझाएं। ये सभी संत आज राजा वेन को समझाने के लिए पहुंचे। राजा वेन ने अभिमान में भर के संतों का ही अपमान करना प्रारंभ कर दिया। संतों को क्रोध आया, अपने अपने आसनों से एक एक कुश को निकाला, मंत्रोच्चारण किया और जैसे ही अपने अपने कुशों को फेंक करके मारा, वेन को ये कुशें आकर के लगी और तत्क्षण ही वेन का प्राणांत हो गया। शरीर गिर गया नीचे, आत्मा ने अपने इस आवरण को त्याग दिया। अब शव पड़ा है राजा का, लेकिन बिना राजा के तो प्रजा अनुशासनहीन हो जाती है, इसलिए राजा चाहिए। राजा क्षत्रिय होता है। तब संतों ने विचार करके वेन के शव के हाथों का मंथन किया और जब हाथों का मंथन किया राजा परीक्षित, तो स्वयं लक्ष्मी नारायण भगवान का जोड़ा वहां से प्रकट होके आया। बोले प्रथु भगवान की जय, अर्ची महारानी की जय। प्रथु और अर्ची का प्राकट्य हुआ, राजगद्दी मिली भगवान प्रथु को। प्रथु जब राजगद्दी पर आए तो उन्होंने देखा कि चारों ओर पृथ्वी पर दुर्भिक्ष है, अकाल आया हुआ है, प्रजा अन्न के लिए तरस रही है। प्रथु जी के मन में करुणा आई और पृथ्वी के ऊपर क्रोध आया। तब प्रथु जी भूदेवी को मारने के लिए दौड़े। पृथ्वी ने देखा कि भगवान को क्रोध आ रहा है, सो भय से कांपने लगी और पृथ्वी ने अपने प्राणों को बचाने के लिए गाय का रूप ले लिया। जैसे ही प्रथु जी ने देखा पृथ्वी को गाय के रूप में, वे तो वहीं रुक गए, क्योंकि गाय के ऊपर प्रहार नहीं किया जाता। हमारी सनातन संस्कृति में गाय की बड़ी महिमा है। संपूर्ण 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है गौ माता के शरीर में, और जिसने अपने जीवन में गौ सेवा कर ली, ये समझ लेना उसने सभी देव देवताओं का पूजन कर लिया। गौ सेवा, इसकी महिमा जितनी कही जाए उतनी थोड़ी है। यदि गाय के खुर के बीच में लगी रज का तिलक माथे पर हो जाए तो मोक्ष निश्चित रूप से प्राप्त होता है। यदि गाय के सिंह से स्पर्श किए हुए जल से किसी भी देवता को स्नान करा दिया जाए तो जीवन में पुष्टि की प्राप्ति होती है। यदि गाय के गोबर का टीका घर के मुख्य द्वार पर कर दिया जाए तो लक्ष्मी का स्वागत हो जाता है। यदि गाय के दूध से, दही से, घी से भगवान का पंचामृत अभिषेक कर दिया जाए तो भगवत कृपा जीवन में प्राप्त होती है। गाय सूर्य के ही प्रकाश में अपने पेट में स्वर्ण तत्व का निर्माण करती है। गाय के पेट में एक नाड़ी होती है जिसका नाम होता है सूर्य केतु, और गाय जब सूर्य के प्रकाश में खड़ी होती है सज्जनों, तो ये सूर्य केतु नाड़ी गाय के पेट में स्वर्ण तत्व का निर्माण करती है। वही स्वर्ण तत्व गाय के दूध में मिलकर के हमें प्राप्त होता है, इसलिए गाय के दूध में अनेकों रोगों से लड़ने की शक्ति होती है। गाय का दूध शक्तिवर्धक होता है।
और इसका प्रमाण ये है कि आप गाय के दूध को रख दें एक दो दिन तो वही स्वर्ण तत्व पीलेपन के रूप में निकल करके इसके ऊपर आ जाएगा। अब ये जो पीलापन है, ये जो स्वर्ण तत्व है इसके अंदर, ये स्वर्ण तत्व गौ माता सूर्य के किरणों से ही अपने पेट में बनाती है। गाय की तो अनेकों प्रकार से हमारे जीवन में कृपा है, इसलिए गौ सेवा जीवन में होनी चाहिए। अब बड़े शहरों में रहते हैं, घर में गाय रख नहीं सकते। आज भी हमारे ब्रज में प्रत्येक घर में कम से कम एक गाय का तो दर्शन होता ही है। आज भी ब्रज के घरों में पहली रोटी गऊ ग्रास के रूप में निकाली जाती है, गौ माता के लिए निकाली जाती है, आज भी प्रथा ही है। अब बड़े शहरों में रहते हैं महाराज, कैसे करें? इसका एक बहुत सरल सा उपाय मैं आपको बताता हूं। बड़े शहरों के आसपास कोई ना कोई बड़ी गौशाला अवश्य होती है। आप किसी भी गौशाला में जाइए और एक गाय के लिए एक वर्ष में जो भी व्यय आता हो उतना धन जाकर के गौशाला में दान करिए, तो ये समझना कि आपने गौ सेवा को कर लिया, आपका गौ ग्रास निपट गया। ऐसे भी सेवा कर सकते हैं आप। गौ सेवा से गोविंद मेरे गोपाल तो प्रसन्न हो जाते हैं, ठाकुर जी को तो गाय प्रिय है, महिमा है गौ सेवा की। पृथ्वी गाय के रूप में प्रथु जी रुक गए, तब भूदेवी ने कहा कि हे प्रभु, आपको क्रोध आ रहा है, आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? भगवान प्रथु ने कहा कि हे भूदेवी, तुम्हारे ऊपर दुर्भिक्ष आया हुआ है, मेरी प्रजा अन्न के लिए तरस रही है और मैं अपनी प्रजा को मरता हुआ नहीं देख सकता। तुमने समस्त धान्यों को अपने अंदर छिपा लिया है, तो क्यों ना मैं तुमको दंड दे दूं? ऐसा तुमने क्यों किया है? गाय रूपी पृथ्वी रोने लगी और कहा, प्रभु इसमें मेरा दोष नहीं है, ये पृथ्वी के जितने भी राजा हैं इन लोगों ने मेरा आदर और पालन करना ही छोड़ दिया, इसलिए मैंने क्रोधित होकर के समस्त औषधियों को, समस्त धान्यों को अपने अंदर छिपा लिया और बहुत अधिक समय से मेरे अंदर पड़े रहने के कारण ये समस्त धान्य जीर्ण हो गए हैं, इसलिए मेरे ऊपर सूखा आया हुआ है, दुर्भिक्ष है। यदि आप किसी को बछड़ा बना करके लाएं तो उस बछड़े को मेरे नीचे लगा करके आप मुझसे समस्त धान्यों का दोहन कर सकते हैं। अब प्रथु जी सोचने लगे कि मैं किसको बछड़ा बनाऊं, तब उन्हें ध्यान आया स्वयंभुव मनु जी महाराज का। प्रथु जी ने स्वयंभुव मनु जी को बछड़ा बना करके बुलाया और जब भूदेवी के नीचे ने बछड़ा बना करके खड़ा किया, तब भगवान प्रथु ने स्वयं समस्त धान्यों का दोहन भूदेवी से कर लिया। अब जिसको जो जो पृथ्वी से चाहिए था सबने किसी ना किसी को बछड़ा बनाया और पृथ्वी से उसका अभीष्ट का दोहन कर लिया। भूदेवी ने भगवान प्रथु को कहा कि प्रभु आप प्रजा को कर्मोपदेश करिए, प्रजा भाग्य के सहारे बैठी है, कर्म नहीं करती, बिना कर्म किए भाग्य कभी बनता नहीं है, इसलिए कर्म निश्चित रूप से करना चाहिए। यदि केवल भाग्य से ही होता सब कुछ तो भगवान को शरीर में हाथ बनाने की आवश्यकता ना पड़ती, भाग्य से ही सब चला आता, भाग्य से ही सब हो जाता। भाग्य से भोजन की थाली सामने आ सकती है, लेकिन भोजन के ग्रास को थाली से मुख में डालने के लिए कर्म ही करना पड़ेगा। भाग्य और कर्म, जिसका श्रेष्ठ कर्म उसका श्रेष्ठ भाग्य, कर्म से ही अपने भाग्य का निर्माण किया जाता है। कर्मोपदेश करिए, प्रजा कर्म करे, आलसी ना बने। हर बात में देव देव आलसी पुकारा, लक्ष्मण जी ने कहा है ना रामचरितमानस में, हर बात में देवताओं को पुकारना ये आलसी मनुष्यों का लक्षण है। हाँ, हमारा जुखाम हो गया तो लग गए हनुमान जी के पीछे, हाँ कहा हनुमान जी हमारा जुखाम ठीक कर दो, अब बुखार आ गया हनुमान जी के पीछे लग गए, हनुमान जी हमारा बुखार दूर कर दो, सिर में दर्द हो गया भगवान शंकर के पीछे लग गए, हाँ सर में दर्द अपने हो रहा है
और जल पे जल भगवान शंकर पर चढ़ाए जा रहे, तो बताओ शंकर जी को सर्दी ना होगी? तो भैया छोटी सी भी बात आई और देवताओं के पीछे लग गए। हर बात में क्या देवताओं को पुकारना, देव देव आलसी पुकारा। अपने कर्म पर भी विश्वास रखिए, कर्म भी ईश्वर का ही रूप है। भगवान ने आपको दो हाथ दिए कर्म करने के लिए। देवताओं को तब पुकारा जाता है जब सभी मार्ग हमारे सामने बंद हो जाए। तो कहा कर्मोपदेश करिए प्रजा को। शुकाचार्य कहते हैं राजा परीक्षित, भूदेवी ने उपदेश किया, भगवान प्रथु को बात समझ में आई और भगवान प्रथु ने भूदेवी को अभय देने के बाद प्रजा को कर्मोपदेश किया, प्रजा को ऐसा प्रवचन किया कर्म विद्या के बारे में कि लोगों ने अपने आलस्य और प्रमाद का त्याग किया और प्रजा कर्म करने लगी। पृथ्वी पर आया दुर्भिक्ष दूर हुआ, प्रजा को अन्न मिला, जल के सूखे स्रोतों से जल प्रकट हुआ और ये धरती हरी भरी हो गई। भगवान प्रथु ने ही बड़े बड़े पर्वतों को काट करके प्रजा के रहने के लिए समतल मैदान बनाए। ये समतल मैदान यदि ना होते तो आज हम लोग वास कैसे करते, ये उन्होंने ही बनाए हैं हमारे लिए। इसीलिए प्रथु जी के नाम पर इसको पृथ्वी कहा जाता है। भगवान प्रथु भगवान का भजन करने वाले हैं। एक बार उन्होंने मन में ऐसा विचार किया कि चलो मैं 100 अश्वमेध यज्ञ करूं। अब 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला इंद्रासन को प्राप्त कर लेता है। इंद्र का एक नाम है शतक्रतु, शत माने 100, क्रतु माने यज्ञ। जिसने अपने जीवन में 100 अश्वमेध यज्ञ किए हों उसको शतक्रतु कहा जाता है, उसको शक्र भी कहा जाता है। तो संकल्प कर लिया कि 100 अश्वमेध यज्ञ करूं। भगवान प्रभु एक एक करके अश्वमेध यज्ञ को करने लगे। 99वां अश्वमेध यज्ञ जब पूर्ण हो गया, 100वें अश्वमेध यज्ञ की तैयारी होने लगी, तो देवराज इंद्र को चिंता लगी और वे यज्ञाश्व को चुरा करके ले गए। अश्वमेध यज्ञ के अश्व को चोरी करके देवराज इंद्र ले गए। अब बिना अश्व के 100वां अश्वमेध यज्ञ कैसे हो? प्रथु जी को सूचना मिली तो भगवान प्रथु समझ गए कि देवराज इंद्र ने ही ये कर्म किया है। मन में विचार किया, मेरे मन में इंद्रासन प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं है। यदि मेरे 100 अश्वमेध यज्ञ से इंद्र को ये चिंता है तो मैं 100वां अश्वमेध यज्ञ करूंगा ही नहीं। देखो आप कितना बड़ा त्याग कर दिया। यदि वे चाहते तो एक यज्ञ और करके प्राप्त कर सकते थे इंद्रासन को। महाराज 100वां अश्वमेध यज्ञ उन्होंने नहीं किया। जब ये त्याग प्रथु जी ने किया तो स्वयं यज्ञ नारायण भगवान इनके यज्ञ मंडप में प्रकट होके आए। यज्ञो वै विष्णु, बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। यज्ञ नारायण भगवान ने प्रथु जी को कहा कि हे महाराज प्रथु, आपने जो अभी अभी त्याग किया है मैं उससे संतुष्ट हो गया, तो मांगिए मैं आपको प्रसन्न होके क्या वरदान दे दूं। मालूम है प्रथु जी ने क्या मांगा यज्ञ भगवान से? बड़ी विचित्र बात कही। कहा प्रभु मुझे कोई स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे कोई वैभव भी नहीं चाहिए, मुझे ऐश्वर्य भी नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। तो हे महाराज प्रथु क्या चाहिए आपको? बोले मुझे वरदान में विदत् स्वकर्णायुतमेश मे वरह 10,000 कान चाहिए। जैसे ये बात सुनी तो यज्ञ भगवान सोच में पड़ गए। कहा प्रथु जी 10,000 कान आप मुझसे मांग रहे हो, क्या करोगे 10,000 कानों का? प्रभु 2 कानों से आपकी कथा सुनता हूं लेकिन तृप्ति नहीं होती, मुझे लगता है
कि 10,000 कान मुझे मिल जाएं तो जहां जहां आपकी कथा हो मेरा एक कान वहीं पहुंच जाए और मैं आपके कथामृत का पान करता रहूं। इसलिए आप मुझे 10,000 कान दे दो। यज्ञ भगवान ने कहा कि संसार में लोग दो कानों से कथा नहीं सुन पाते, सो जाते हैं, आप 10,000 कान लेना चाह रहे हो। कहा प्रभु मैं दो कानों के बाद सोने वाला नहीं, आप तो मुझे 10,000 कान दीजिए। यज्ञ भगवान ने कहा ऐसे दूंगा तो आपका स्वरूप बिगड़ जाएगा, इसलिए आपके दो कानों में ही मैं 10,000 कानों की श्रवण शक्ति आपको प्रदान करता हूं। वरदान दिया यज्ञ नारायण भगवान ने प्रथु जी को। इसके बाद उन्होंने देवराज इंद्र को वहां बुलाया। इंद्र ने यज्ञाश्व को भगवान प्रथु को लौटाया और यज्ञ भगवान के कहने पर इंद्र ने अपने अपराध की क्षमा महाराज प्रथु से मांगी। भगवान प्रथु की स्तुति की देवराज इंद्र ने। प्रथु जी ने कहा मेरा इंद्र से कोई बैर नहीं है, क्योंकि मेरे मन में इंद्रासन को प्राप्त करने की कोई इच्छा ही नहीं। यज्ञ भगवान देवराज इंद्र के साथ वहां से चले गए। इसके बाद प्रथु जी के यज्ञ मंडप में सनत कुमारों का आगमन हुआ। सनत कुमारों से उनका दिव्य सत्संग हुआ और महाराज भक्ति का उपदेश सनत कुमारों ने प्रथु जी को किया। ऐसा श्री कृष्ण भक्ति का उपदेश किया कि मन सीधे श्री कृष्ण में जाके लग जाए। तो आइए हम भी अपने मन को श्री वृंदावन की पवित्र भूमि में लेके चलें, जो मेरे गोविंद की भूमि है, और बैठे बैठे ही स्मरण करें श्री वृंदावन का। चलो मन श्री वृंदावन धाम, चलो मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे जू को नाम, बसे जहां बाके बिहारी, ओढ़ के कामर कारी, बसे जहां बाके बिहारी, ओढ़ के कामर कारी, चलो मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे जू को नाम, बसे जहां बाके बिहारी, ओढ़ के कामर कारी, बसे जहां बाके बिहारी, ओढ़ के कामर। Yeah.
राधे जू को नाम बसे जामा बिहारी ओढ़ के कामर कारी बसे जामा के बिहारी ओढ़ के कामर कारी चलो मन श्री वृंदावन धाम रटेंगे राधे जू को नाम बसे जामा बिहारी ओढ़ के कामर कारी बसे जामा के ताई गो अरीबो जय हो। दोनों हाथ उठा के जरा ताली बजा के प्रेम से मन के पूरण काम रटेंगे राधे जू को नाम बसे जामा बिहारी ओढ़ के कामर कारी बसे जामा बिहारी ओढ़ के कामर जय हो चलो मन श्री वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे सब मन के पूरण काम रटेंगे राधे जू को नाम बसे जामा बिहारी ओढ़ के कामर कारी बसे जामा बिहारी ओढ़ के कामर कारी चलो मन श्री वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे जू को नाम बसे सेवा करते हुए प्रेम और भाव से
रटेंगे राधे जू को नाम बस सनत कुमारों ने भगवान की भक्ति का उपदेश किया महाराज पृथु को। हे राजा परीक्षित, पृथु जी ने बहुत सुंदर रूप से प्रजा के ऊपर शासन किया। इनके बाद आगे राजगद्दी पर आए अंतर्धान, फिर आगे राजगद्दी पर आए हविरधान, इसी वंश में आगे राजगद्दी पर आए राजा प्राचीन बरही। राजा प्राचीन बरही की कथा श्रीमद् भागवत में बड़ी विचित्र है। राजा प्राचीन बरही ने अपने जीवन में इतने यज्ञ किए परीक्षित कि संपूर्ण पृथ्वी को उन्होंने कुशाओं से पाट करके रख दिया। रात्रि में आकाश के तारों को कोई गिन सकता है, धरती के धूल के कणों को भी कोई गिन सकता है, बरसात में आकाश से बरस रही बूंदों को भी कोई गिन सकता है परीक्षित। लेकिन प्राचीन बरही ने अपने जीवन में कितने यज्ञ किए इसको कोई नहीं गिन सकता। एक यज्ञ पूरा होता है दूसरा करने लग जाते हैं, दूसरा पूरा होता है तीसरा करने लग जाते हैं, यज्ञ पे यज्ञ, यज्ञ पे यज्ञ करते चले जा रहे हैं। दिव्य इनका यज्ञ मंडप और यज्ञ कुंड में प्रज्वलित अग्नि में आहुति डालते हुए जा रहे हैं। प्राचीन बरही सुंदर कर्म यज्ञ के रूप में करते हैं, लेकिन प्रत्येक यज्ञ के द्वारा वे एक अपराध भी करते हैं। क्या है वो अपराध? बोले वे अपने प्रत्येक यज्ञ में एक निरपराध पशु की बलि दे देते हैं। अब तक असंख्य बकरों की बलि दे चुके हैं, कोई गिन भी नहीं पाएगा उनको। कितने घोड़ों की बलि दे दी इसको कोई गिन नहीं पाएगा। एक बलि, दूसरी बलि, तीसरी बलि, चौथी बलि, एक एक जीव की हत्या भी करते हुए चले जा रहे हैं। चारों ओर असंख्य बकरों के धड़ पड़े, घोड़ों के धड़ पड़े, मांस की दुर्गंध चारों ओर फैल रही है, रक्त से भूमि सनकर के लाल है, और उनके बीच में अपने यज्ञ मंडप में बैठ के प्राचीन बरही यज्ञ कर रहे हैं। एक दिन देवर्षि नारद आकाश मार्ग से निकले और जो देखा नीचे धरती पर, नारद जी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, रोने लगे, राम 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 राम, ये क्या इतने असंख्य निरपराध पशुओं की हत्या? मुझे राजा प्राचीन बरही को समझाना होगा। और नारद जी आकाश मार्ग से उतर करके प्राचीन बरही के यज्ञ मंडप में प्रवेश करके आए। यज्ञ मंडप में प्रवेश किया, प्राचीन बरही ने देवर्षि को देखा, तुरंत उठकर के उनको प्रणाम किया, आइए देवर्षि, स्वागत है आपका मेरे यज्ञ मंडप में।
नारद जी ने बड़ी विचित्र बात कह दी। कहा राजन, मैंने पापी तो बहुत देखे पर तेरे जैसा पापी मैंने आज तक इस धरती पर ना देखा। प्राचीन वरी ने कहा, आप क्या कह रहे हैं देवर्षि, मैंने संपूर्ण पृथ्वी को कुशाओं से पाट करके रख दिया और आप कहते हैं मेरे समान कोई पापी नहीं धरती पर। अरे मैंने इतने यज्ञ कर डाले कि विधाता स्वयं चाह करके भी मेरे यज्ञों की संख्या को गिन नहीं सकता और आप कहते हैं मैं पापी। का सच सच कहना राजन, इतने यज्ञ करने के बाद क्या तुमको जीवन में शांति मिली? का शांति तो मुझे ना मिली। तो फिर तुम ये कैसे कह सकते हो राजन कि इतने यज्ञ करने के बाद तुम सुखी हो? हमने जीवन में बहुत कुछ अर्जित किया सज्जनों, लेकिन यदि रात्रि में शांति से सो भी नहीं पाते, यदि हम ठीक से भोजन भी नहीं कर पाते, तो ये विचार करना पड़ता है कि जीवन किस दिशा की ओर जा रहा है। प्राचीन बरही, आओ तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। हाथ पकड़कर के देवर्षि नारद प्राचीन बरही को यज्ञ मंडप के बाहर निकाल के लाए। कहा, आकाश की ओर देखो। जैसे ही प्राचीन बरही ने आकाश की ओर देखा, असंख्य बकरों के सिर चमकने लगे, असंख्य घोड़ों के सिर चमकने लगे और सबके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है, जीभ सबके मुख के बाहर निकली है और सब टकटकी लगाकर के राजा प्राचीन बरही को देखने लगे। राजा तो भयभीत तो हो गए। कहा, अरे अरे देवर्षि, ये सब आकाश में कौन है और ये इस प्रकार से मुझे घूर करके क्यों देखते हैं? कहा, राजन तुमने इनको ना पहचाना, ये सब वही पशु हैं जिनकी बलि तूने यज्ञ के बहाने दी है और ये तुझे इसलिए घूर के देखते हैं। ये सब कह रहे हैं कि अरे प्राचीन बरही बेटा, एक बार मर के ऊपर आ, फिर बराबर बराबर से हम सब हिसाब किताब कर लेंगे, ये उतनी ही बार तुझे मारेंगे राजन यहां से ऊपर जाने के बाद, कितनी बार मरोगे तुम? कहा, लेकिन नारद जी मैंने कोई अपराध तो ना किया बलि देके? क्यों? बोले, वेद में लिखा है पशुन आल भेद, मैंने पशुओं की बलि दी, अब जैसा वेद में आदेश है मैंने वही किया, फिर मेरा क्या दोष है इसमें? नारद जी ने कहा, राजन तुमने अर्थ का अनर्थ कर लिया। परोक्षवादो वेदोयम, वेद परोक्षवादी होते हैं, शब्द कुछ अर्थ कुछ, और यदि केवल शब्दों के अनुसार चलोगे तो अर्थ का अनर्थ कर लोगे। पशुन आलभेद है, सत्य है, लेकिन आलभेद का अर्थ मारना नहीं है, आलभेद का अर्थ वहां स्पर्श करना है। पशुन आलभेद, बकरा कहते हैं अभिमान को, घोड़ा कहते हैं ममता को। यज्ञ में बकरे का स्पर्श करो, अपने अभिमान की बलि दे दो। अश्व का स्पर्श करो, अपनी ममता के बंधन की बलि दे दो। अब यदि तुम जीवित ही किसी बकरे को किसी घोड़े को मार दोगे तो क्या तुम्हारे दुर्गुण दूर हो जाएंगे? क्या बकरे को मारने से तुम्हारा अभिमान छूट जाएगा? क्या अश्व को मारने से तुम ममता के बंधन से मुक्त हो जाओगे? राजन तुमने अर्थ का अनर्थ कर लिया है। देखो तुमको एक उपाख्यान कहता हूं, सो ध्यान से सुनना। राजन बहुत समय पूर्व एक पुरंजन नाम का राजा था। इसका एक सखा था जिसका नाम था अविज्ञात। एक बार पुरंजन ने अपने मित्र अविज्ञात से कहा कि मित्र चलो हम चलकर के रहने के लिए कोई नया नगर ढूंढें। ये पुरंजन अविज्ञात को लेकर के नया नगर ढूंढने के लिए आया। पुरंजन और कोई नहीं, जीवात्मा ही पुरंजन है। अविज्ञात और कोई नहीं, परमात्मा ही अविज्ञात है। जिसके बारे में कुछ ज्ञात ना हो वही अविज्ञात परमात्मा है। जिनके बारे में वेद भी नेति नेति कह देते हो वही परमात्मा अविज्ञात है।
हिमालय की दक्षिण दिशा में पुरंजन ने एक नौ द्वार का सुंदर नगर देखा। आसक्त हो गया पुरंजन इस सुंदर नगर पे और अविज्ञात को नगर के बाहर ही छोड़ करके अकेला ही इस नौ द्वार के नगर में प्रवेश करके आ गया। ये नौ द्वार का नगर हमारा शरीर ही है। नवद्वारे पुरे देही, गीता में भगवान ने कहा है ना, दो कान दो नासा छिद्र एक मुख उपस्थित इंद्रियां, नौ द्वार हैं इस शरीर में प्रवेश करने के। पुरंजन इस नौ द्वार के नगर में आ गया। नगर के अंदर जब इसने प्रवेश किया तो सामने इसने एक सुंदर स्त्री को बैठा हुआ देखा। पुरंजन ने आकर के उस स्त्री को पूछा कि देवी तुम कौन हो? उस स्त्री ने कहा, ये तो मुझे भी नहीं पता कि मैं कौन हूं, लेकिन इतना पक्का है कि यदि मुझे तुम अपने साथ रखोगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। पुरंजन उस स्त्री पर आसक्त हो गया और पुरंजन ने उस स्त्री से विवाह कर लिया। ये स्त्री हमारी बुद्धि है, इसकी 10 सहेलियां भी हैं, ध्यान से सुनना। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं, 10 सहेलियां इसकी। इस नगर के मुख्य द्वार पर एक 5 फण वाला नाग बैठा है जो इस नगर की रक्षा करता है। रात्रि में इस नगर में रहने वाले सभी लोग सो जाते हैं, लेकिन ये 5 फण वाला नाग रात्रि में भी इस नगर की रक्षा करता है। ये 5 फण का नाग और कोई नहीं, हमारे पंच प्राण ही है। प्राण अपान उदान समान व्यान, और जिस दिन ये पंच प्राण सो जाते हैं ना सज्जनों, उसी दिन लोग उठा करके शमशान में ले जाते हैं। कल ले जाओ, दुर्गंध आ जाएगी थोड़ी देर के बाद इसमें से, चलो। जिस शरीर पर इतना व्यय किया गया, जिस शरीर को स्वस्थ ठीक रखने के लिए इतना खर्चा किया गया, जब आत्मा इस शरीर को छोड़ती है तो घंटे दो घंटे से ज्यादा कोई शरीर को अपने घर में रखना नहीं चाहता। ये 5 फण वाला नाग इस नगर की रक्षा करता है रात्रि में। इस नगर के अंदर एक पुरुष है जिसका नाम विशुचीन है परीक्षित। ये हाथ में डंडा लेकर के इस नगर के अंदर रहता है। ये विशुचीन और कोई नहीं, हमारा मन ही है। पुरंजन ने उस स्त्री से विवाह किया और उसका नाम रख दिया पुरंजनी। अब ऐसा आसक्त हो गया इस पर कि पुरंजनी जैसा कहती वैसा ही पुरंजन करता। पुरंजनी ने कहा, खड़े हो जाओ, ये खड़ा हो जाता। बैठ जाओ, बैठ जाता। सो जाओ, ये सो जाता। भोजन कर लो, भोजन करने लग जाता। बुद्धि के ऐसा नियंत्रण में हुआ कि जैसा बुद्धि कहती वैसा ही जीवात्मा करती। बुद्धि ने कहा, खड़े हो जाओ, खड़े हो गए। कहा, सो जाओ, सो गए। भोजन कर लो, भोजन करने लग गए। ये पुरंजन पुरंजनी के वश में हो गया। नारद जी कहते हैं, राजा प्राचीन वरही, इस नौ द्वार के नगर के सामने एक राजा रहता है जिसका नाम है चंडवेग। राजा चंडवेग ने मन में विचार किया कि ये नौ द्वार का सुंदर नगर मेरे सामने है, क्यों ना इस नगर को मैं जीत लूं, इस नगर को अपने आधिपत्य में ले लूं। ऐसा विचार करके राजा चंडवेग ने अपनी सेना सहित इस नौ द्वार के नगर पर आक्रमण किया। इसकी सेना में 720 गंधर्व और गंधर्वियां हैं। वर्ष के 360 दिन इसकी सेना में गंधर्व हैं और वर्ष की 360 रात्रियां इसकी सेना में गंधर्वियां हैं। 720 हैं। यह चंडवेग और कोई नहीं, काल ही है। काल की सेना ही ये वर्ष के दिन और रात हैं। इस सेना को लेकर के काल नित्य हमारे ऊपर आक्रमण करता है, इस नौ द्वार के नगर को जीतने का प्रयास करता है।
राजा चंडवेग ने भी वैसा ही प्रयास किया, लेकिन ये पंच प्राण पांच फण वाला नाग इसने इस नौ द्वार के नगर को लुटने ना दिया। राजा चंडवेग से युद्ध किया और उनको पराजित कर दिया, इस नगर की रक्षा कर ली। बहुत मजबूत नींव है इस नगर की। तभी वहां पर एक स्त्री आई जिसका नाम है जरा। जरा कहते हैं बुढ़ापे को, आप लोग जानते हो ना, जब जीवन में सब कुछ जरा जरा रह जाए तो समझना कि जरा आ गई। आंखों की रोशनी जरा जरा रह जाए तो समझ लेना जरा आ गई। महाराज सिर पर बाल भी जरा जरा रह जाए तो समझना आ गई जरा। दांत भी मुंह में जब जरा जरा रह जाए तो समझना जरा का आगमन हो गया। बहुत से घरों में तो नाती पोते दादा दादियों के दांतों को ही ढूंढते रहते, ना जाने रात में कहां रख दिया, भजन कब करें, वो तो दांत ही ढूंढने में लगे, अब रात को पता नहीं कहां रख दिए, ढूंढ रहे हैं बच्चे भजन कहां से करें। दांत भी आजकल लगा लेते हैं। हाँ महाराज, नेत्रों की ज्योति कम होती है, चश्मा पहन लेते हैं। अब भगवान ने यदि कान ना बनाए होते तो बताओ चश्मे को कैसे पहन पाते। कान का सदुपयोग हो रहा है ना। एक आदमी तीन चश्मे रखता था अपने पास। अब किसी दूसरे भले आदमी ने पूछा कि भैया तू तीन चश्मे क्यों रखता है, तो उसने कहा एक चश्मा मेरा पास का है पढ़ने के लिए। अच्छा, बोले दूसरा चश्मा, बोले दूसरा चश्मा दूर का है देखने के लिए, और तीसरा चश्मा बोले इन दोनों में से कोई खो जाए तो उसको ढूंढने के लिए। हाँ, अब खो जाएगा तो ढूंढने के लिए भी तो चश्मा चाहिए कि नहीं, तो तीन चश्मे रखता था एक आदमी। तो जब सब कुछ जरा जरा रह जाए तो आप समझना कि जरा का आगमन हो गया। अब ये जरा आई वहां पे, सबको कहा मुझे स्वीकार करो, मुझे स्वीकार करो, मुझे स्वीकार करो, सबने हाथ जोड़ दिए, बुढ़ापे को कौन स्वीकार करना चाहता है। तब ये जरा राजा चंडवेग के पास पहुंची। राजा चंडवेग से इसने अपना परिचय दिया और स्वीकार करने को कहा, तो राजा चंडवेग ने जरा को अपनी कन्या बना लिया। और काल ने बुढ़ापे को कहा कि बेटी ये सामने नौ द्वार का सुंदर नगर है, अनेकों बार इसे जीतने का प्रयास किया लेकिन पंच प्राण इसको लुटने नहीं देते, तो तुम जरा चुपचाप इस नौ द्वार के नगर में प्रवेश कर जाओ, थोड़ा इसकी नींव को खोखला कर दो और जैसे ही इसके बोल्ट ढीले होंगे बस मैं इसको जीत लूंगा। सो ये जरा चुपचाप इस नौ द्वार के नगर में प्रवेश करके आ गई, और जैसे ही जरा ने प्रवेश किया तो सब कुछ जरा जरा होने लग गया। काले केश सफेद हो गए, नेत्रों की ज्योति कम हो गई, कानों की श्रवण शक्ति कम हो गई, मुख के दांत भी अब साथ ना रहे, शरीर की काया सूखने लगी, कमर झुकने लगी, और जरा ने इस नौ द्वार के नगर की नींव को खोखला कर दिया। जैसे ही खोखला किया राजा चंडवेग को सही समय लगा और काल ने इस नौ द्वार के नगर पर आक्रमण किया, नींव हो गई खोखली, तो देखते ही देखते काल ने इस नौ द्वार के नगर को जीत लिया। मृत्यु का समय आ पहुंचा। अंते मति सागति, मरते समय जिसका चिंतन होता है अगला जन्म उसी के रूप में प्राप्त होता है। पुरंजन की मृत्यु का समय आया तो इसने पुरंजनी का स्मरण किया, शरीर को छोड़ दिया, चंडवेग ने नौद्वार के नगर को जीत लिया। स्त्री चिंतन के कारण पुरंजन का अगला जन्म स्त्री के ही रूप में हुआ। इसका विवाह हुआ दूसरे जन्म में, इसके पति की मृत्यु हुई तब यह सती होने के लिए तैयार हुआ। उस समय वही पूर्व जन्म का सखा अविज्ञात वहां आ पहुंचा और हाथ पकड़ के कहा, ना तुम पुरुष हो ना तुम स्त्री हो, तुम तो मेरे मित्र हो,
ये मुझे छोड़ करके कहां संसार में पड़े हुए हो। हे प्राचीन बरही, मैं जिस पुरंजन की बात कर रहा हूं वो तुम ही हो। इन निरपराध पशुओं की गर्दनों को काटते रहे हो, मारते रहे हो इनको, लेकिन कितने ही पशुओं की तुम बलि चढ़ा लो, काल को तुम नहीं जीत पाओगे। और काल का कटार भी तुम्हारी गर्दन पर ऐसे ही चलेगा जैसे तूने इन निरपराध पशुओं की गर्दनों को काट दिया है। तुझे काल की समझ नहीं, तो विषयों में फंस करके, अंधा होकर के, यज्ञ के बहाने निरपराध पशुओं की बलि दे रहा है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशाम न समाचरेत। अपने संग जैसा आचरण प्रिय ना लगता हो प्राचीन वरी, वो कभी दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। एक सुई भी लग जाए हमको तो महाराज अपने समस्त पूर्वज हमें याद आ जाते हैं। और किसी निरपराध पशु की गर्दन को काट देना, इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है। और जो निरपराध पशुओं की बलि देता है, निश्चित ही उसको आगे नरक का मुख देखना पड़ता है। इसलिए अपने जीवन में परिवर्तन लाओ, अपने दुर्गुणों की बलि दो और भगवान का भजन करके अपने जीवन को सफल बना लो। प्राचीन बरही, मृत्यु को ना जीत पाओगे लेकिन मृत्यु को महोत्सव बना लोगे, ऐसा उपदेश किया। प्राचीन बरही के मन में वैराग्य आ गया। महाराज ने निरपराध पशुओं की बलि बंद कर दी, यज्ञ भी बंद किए और माला लेकर के तुलसी की भगवान का भजन करने के लिए प्राचीन बरही वन में आ गए। शेष जीवन भगवान का भजन करके इन्होंने अंत में प्रभु को प्राप्त किया। प्राचीन बरही के वंश का वर्णन संक्षिप्त किया। मैत्रेय मुनि के मुख से महात्मा विदुर ने इन सुंदर कथाओं को जब सुना तो सुनने के बाद वे प्रणाम करके हरिद्वार की भूमि से प्रस्थान कर गए। परीक्षित जी ने भगवान सुखदेव से पूछा, गुरुदेव आपने देवहूति, आकुति, प्रसूति और उत्तानपाद की कथा कही, अब राजा प्रियव्रत और उनके वंश के बारे में मैं आपसे कुछ सुनना चाहता हूं। सुखदेव जी ने कहा, हे राजा परीक्षित, प्रिय माने अच्छा और व्रत माने प्रतिज्ञा। जिसने अपने जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा को धारण किया हो वही प्रियव्रत है। स्वयंभुव मनु और शत्रुपा के पुत्र प्रियव्रत, वेद भी इनकी प्रशंसा करते हैं। प्रियव्रत आत्मा राम भी हैं और प्रियव्रत भागवत भी हैं। महाराज देवर्षि नारद की प्रेरणा से प्रियव्रत ने संपूर्ण जीवन इस भूमंडल की रक्षा के भार को संभाला। आजीवन इस भूमंडल की रक्षा को करते रहे, इसलिए वेद भी उनकी प्रशंसा करते हैं। और बड़ी निष्ठा से उन्होंने अपने जीवन में इस प्रतिज्ञा को, इस व्रत को निभाया। एक बार तो इन्होंने ऐसा पराक्रम किया कि अपने रथ में बैठकर के पृथ्वी की इतनी तेजी से परिक्रमा लगाई कि इनकी रथ की गति से धरती के जिस भाग में सूर्यास्त होने के बाद अंधेरा हो जाता था, वहां रथ की विद्युत गति के कारण सूर्य के ही समान प्रकाश होने लगा। ऐसा इनका अद्भुत पराक्रम। अब ठान लिया कि एक भाग में धरती के सूर्य का प्रकाश होता है तो दूसरे भाग में भी अंधकार नहीं रहने दूंगा। इतनी तेज रथ में बैठ के पृथ्वी की परिक्रमा की कि दूसरे भाग में भी सूर्य के ही समान प्रकाश होने लगा। अब दिन रात का क्रम बिगड़ गया। तब श्री ब्रह्मा जी ने इनको आकर के समझाया और इन्होंने अपने इस रथ की गति को रोक दिया। ऐसा इनका अद्भुत पराक्रम। राजा प्रियव्रत के वंश में आगे आए आग्निद्र, इनके पुत्र हुए राजा नाभि। राजा नाभि की पत्नी का नाम मेरु देवी है परीक्षित, और इनके कोई संतान नहीं है। राजा नाभि के मन में इच्छा हुई कि मुझे अपनी गद्दी के लिए उत्तराधिकारी मिले, इसलिए
उन्होंने सपत्नीक भगवान नारायण की तपस्या की। भगवान नारायण प्रसन्न होके आए, कहा इनसे वरदान मांगने को। राजा नाभि ने कहा, प्रभु मुझे आपके ही समान एक पुत्र चाहिए अपने उत्तराधिकारी के रूप में। भगवान ने कहा, तथास्तु, जाओ ये वरदान दिया राजा नाभि। वरदान देने के बाद भगवान जब चलने को तैयार हुए तो अचानक उन्हें कुछ स्मरण आया और कहा, अरे राजा ये तो गड़बड़ हो गई। कहा, प्रभु क्या हुआ? बोले, बात यह है कि संपूर्ण लोकों में मेरे समान तो कोई दूसरा होता ही नहीं है। अब मैंने तुमको वरदान दे दिया कि मेरे समान तुमको एक पुत्र की प्राप्ति हो, लेकिन मेरे समान तो कोई होता नहीं है। तो फिर अपने वरदान की पूर्ति के लिए अब मुझको ही तुम्हारी पत्नी के गर्भ से तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतार लेकर के आना पड़ेगा। राजा नाभि के तो आनंद की सीमा ना रही, भगवान अंतर्धान हुए और कुछ दिनों के बाद राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से जैन धर्म को प्रारंभ करने के लिए भगवान नारायण ऋषभ देव के रूप में प्रकट होकर के आए। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। भगवान का एक बड़ा ही दिव्य अवतार हुआ ऋषभ देव के रूप में। ऋषभ का अर्थ होता है जिसकी श्रेष्ठ कीर्ति हो, जैसे भगवान नरसिंह की है ऐसे ही ऋषभ देव। पृथ्वी पर जब यज्ञों के बहाने निरपराध पशुओं की बलि की प्रथा बहुत चली, तब अहिंसा के एक नए मार्ग को प्रकट करने के लिए भगवान ऋषभ देव के रूप में अवतार लेकर के आए और अहिंसा को ही परम धर्म बता करके एक नया ही धर्म प्रारंभ कर दिया जिसका नाम हुआ जैन धर्म। ये पशु बलि को रोकने के लिए भगवान का अवतार है, अहिंसा का अवतार। हमारे यहां भगवान नारायण के जैसे 24 अवतार होते हैं, जैनियों के 24 तीर्थंकर होते हैं और जैनियों के जो सर्वप्रथम तीर्थंकर हैं वही श्रीमद् भागवत महापुराण के ऋषभ देव जी महाराज हैं। भगवान ऋषभ देव, ऋषभ देव से लेकर के महावीर स्वामी तक ये परंपरा जाती है। कर्नाटक में एक स्थान है श्रवण बेल गोला, वहां पर भगवान महावीर की एक बहुत ऊंची प्रतिमा है और भगवान महावीर स्वामी को बाहुबली भगवान के नाम से भी जाना जाता है। घुटनों तक लंबी उनकी भुजाएं हैं, शरीर पर एक वस्त्र का टुकड़ा भी नहीं है और प्रत्येक 12 वर्ष के बाद बाहुबली भगवान का महामस्तकाभिषेक होता है और केसर के जल का पहला कलश बाहुबली भगवान के मस्तक पर डालने के लिए महाराज करोड़ों रुपयों की बोली लगाई जाती है, नीलामी होती है पहले कलश की। और अभी जो महामस्तकाभिषेक हुआ, जो निकल गया है, उसमें जिस व्यक्ति ने सबसे पहला केसर का जल बाहुबली भगवान के मस्तक पर डाला ऊंचे मंच से, उस एक कलश के लिए उस व्यक्ति को 1,75,00,000 रुपया देना पड़ा। 1,75,00,000 में पहला कलश मिला और उसके बाद फिर जिस जिस जिसका स्थान आता जाता है वो सब अपने अपने कलश से जल चढ़ाते हैं। तो बहुत भीड़ होती है वहां पर बाहुबली भगवान। ये जैन धर्म को प्रारंभ भगवान ऋषभ देव ने किया है, अहिंसा के मार्ग को इन्होंने प्रकट किया। इंद्र की कन्या जयंती से इनका विवाह हुआ, तब इन्हें 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई। ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र हैं श्रीमान भरत, जिनके नाम पर इस अजनाब वर्ष को भारत वर्ष के नाम से जाना जाता है। ऋषभ देव के ही 9 पुत्र हैं जिन्हें नव योगीश्वर के नाम से जाना जाता है, जिनका राजा जनक के साथ संवाद आगे श्रीमद् भागवत में क्रम में आएगा। 100 पुत्र शेष कर्मकांडी। महाराज एक दिन ऋषभ देव ने
अपने सभी पुत्रों को बुलाया और सुंदर शिक्षा उनको जीवन की दी और कहा, ये बताओ भगवान ने ये मनुष्य देह हमें किस लिए दिया है। एक पुत्र ने कहा, पिताजी मैं बताऊं? बोले बताओ। बोले भगवान ने ये मनुष्य देह हमें इसलिए दिया है जिससे हम सुंदर सुंदर भोजन करते रहे। कहा, केवल भोजन के लिए ये शरीर मिला है? बोले हाँ पिताजी, और क्या करें हम? कहा, नहीं 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 बेटा, भोजन जीवन के लिए है, जीवन भोजन के लिए नहीं है। भोजन तो केवल शरीर को ऊर्जा मिल जाए इतने मात्र के लिए है, लेकिन ये जीवन ही केवल भोजन के लिए, ऐसा सोच लेना तो ठीक नहीं। बहुत से लोग महाराज धरती पर केवल भोजन के लिए जीते हैं। हाँ, हमारे ब्रज की तो एक बड़ी विचित्र परंपरा है। यदि ब्रज में आप भोजन के लिए 3 लोगों को निमंत्रण दो तो 13 ही आपके यहाँ चले आएंगे। हम 13 आ जाएंगे। ब्रज में तो ऐसी परंपरा है, किसी को भी निमंत्रण दे दिया तो घर के सभी लोग आएंगे। भैया ऐसा नहीं होता कि एक आ जाए और बाकियों के लिए घर में भोजन बने। तो ब्रज में झरा पंगत होती है ना महात्मा लोगों की, 5,000 आदमी एक साथ बैठ करके प्रसाद पाता है, उसको बोलते हैं झरा पंगत। जब ब्रज में किसी घर में चूल्हा ना जले, जिसको चून को न्योतो कहो जाए, भैया वो झरा पंगत हमने ब्रज में देखी है होती हुई। अब जब झरा पंगत होती है, संख्या बढ़ जाती है, तो महात्मा लोग बड़े हिसाब किताब से आपस में बात करते हैं। क्या कहते हैं? बोले 3 बुलाए 13 आए, भई राम की वाणी। हाँ, ऐसे आपस में थोड़ा बात करते हैं। 3 बुलाए 13 आए, भई राम की वाणी, और चेतन दास चेत जा जल्दी, मिला दाल में पानी। इसको बोलते हैं ब्रज की झरा पंगत। तो महाराज 3 बुलाए 13 आए, भई राम की वाणी, और चेतन दास चेत जा जल्दी, और मिला दाल में पानी। हाँ, क्योंकि यदि दाल में पानी ना मिला तो आंखों से तो निश्चित ही आ जाएगा, फिर व्यवस्था कैसे होगी। हाँ, तो महाराज ऐसे नमक को भी हमारे यहाँ ब्रज में राम रस कहा जाता है। जब परोसाई होती है तो ब्रज की परोसाई देखने लायक है, लेकिन यह जीवन केवल भोजन के लिए तो नहीं है। ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को समझाने लगे और कहा, भोजन भी उतना ही करें जिससे भजन में व्यवधान ना हो जाए। यदि 2 रोटी खाने की इच्छा है तो 1 ही खानी चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 खाने की इच्छा है सो 4 ही ले ली, गले तक भर लिया अपने को। ना ना ना, ऐसा नहीं करना। जितनी खाने की इच्छा हो उसका आधा ही खाना। हाँ, दूसरे पुत्र को पूछा, तुम बताओ क्यों मिला है ये जीवन हमको? कहा, पिताजी ये जीवन हमको इसलिए मिला जिससे आराम से सोए। हाँ, कहा केवल सोने के लिए? बोले हाँ, और क्या करें हम? कहा, नहीं 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 बेटा, ये जीवन केवल सोने के लिए नहीं है। ये जीवन, ये मनुष्य देह भगवान का भजन करने के लिए है, सोने में ना बीत जाए। महाराज जब अधिक भोजन होगा तो नींद आएगी। हाँ, अब कथा में लोग सो जाते हैं। कथा में लोग सोते हैं, इसका कारण क्या है आपको पता है? इसका एक कारण है, कथा मंडप के बाहर संसार की चिंता होती है, और जब भगवान की कथा में आके बैठते हैं, श्री हरि का नाम कानों से अंदर जाता है, श्री कृष्ण का चिंतन होता है, तो संसार की चिंता मिट जाती है। और जब संसार की चिंता मिटती है तो नींद तो आएगी ना साहब, है ना? चिंता मिटी और नींद लगी। घर में नहीं आती, कथा में आती है, क्योंकि भगवान का नाम संसार की चिंताओं से मुक्त करके हमें चैन की नींद दे देता है। और जैसे ही कथा मंडप से बाहर निकले तो फिर वही संसार की चिंता। हाँ, फिर वही बिजली का बिल भी है,
फिर वहीं पानी का बिल भी है, फिर वहीं इनकम टैक्स भी है, फिर वहीं आदि आदि सब व्यवस्थाएं भी हैं। बताओ नींद कैसे आवे? कथा में बैठते आती है, ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को समझाने लगे, बेटा ये जीवन भगवान का भजन करने के लिए है। देखो वैष्णव लोगों के घर में भगवान का सुंदर मंदिर होना चाहिए, घर में ईशान कोण में भगवान का सुंदर मंदिर बनाना चाहिए, उत्तर पूर्व का जो कोना होता है उसको ईशान कोण बोलते हैं, उत्तर पूर्व के कोने में घर में भगवान का मंदिर बनाना चाहिए, जहां वास्तु भगवान का मस्तक होता है। अपने घर में मंदिर बनाए ठाकुर जी का, और यदि घर में इतनी व्यवस्था ना हो, स्थान ना हो, तो घर की रसोई में भगवान का छोटा मंदिर बनाना चाहिए। रसोई में वही बने जिसका भोग भगवान को लग सकता हो, अभक्ष कभी भी रसोई में ना बने। जो सुंदर बनाए पहले गौ ग्रास निकालें, पश्चात भगवान का भोग लगाएं तुलसी दल डाल करके। हम सोचते हैं कि हम भगवान के लिए भोग बनाने वाले हैं, ऐसा नहीं है। जिस अग्नि के ऊपर भगवान का भोग बनता है, ये अग्नि शास्त्रों ने भगवान का मुख ही बताया है, मुखाद अग्नि रजायत, ये अग्नि भगवान का मुख है। तो भगवान एक प्रकार से अपने मुख से ही अपने लिए भोग को प्रकट करते हैं और फिर उसी का भोग लगा लेते हैं। अब यदि अग्नि ना हो तो क्या भगवान का भोग बनाया जा सकता है? आप थोड़ा विचार करो, कितने ही साधन आप मिला लो, क्या भगवान का भोग बना लोगे घर में? अग्नि ही भगवान का मुख है। भगवान के दो मुख होते हैं, अग्निदेव और ब्राह्मण। अग्निदेव पाने का काम करते हैं, ब्राह्मण बोलने का काम करते हैं। तुलसी दल डाल के ठाकुर जी का भोग लगाएं। भोग लगने के बाद जो बचता है उसको प्रसाद कहा जाता है। वैष्णवों के घर में खाना नहीं बनता, वैष्णवों के घर में ठाकुर जी का प्रसाद होता है। प्रसाद के भाव से प्रणाम करके ही उसको पाना चाहिए। ऋषभ देव जी समझाते हुए कहते हैं, बेटा दैनिक जीवन में छोटे छोटे अपराध हो जाते हैं, इसलिए कुछ छोटे छोटे यज्ञ हमको दैनिक करने चाहिए। जाने अनजाने बहुत से छोटे छोटे जीव जंतुओं की हत्या हमसे हो जाती है। महाराज ऊखल में, चक्की में, चूल्हे में, जल के घड़े में बुहारी लगाते समय अनजाने में बहुत से छोटे छोटे जीव जंतुओं की हत्या हो जाती है। उनके प्रायश्चित के लिए छोटे छोटे यज्ञ करने चाहिए। नदी में जाके मछलियों के लिए आटे की गोलियां डाल दी, ये यज्ञ हो गया आपका। पक्षियों के लिए जाकर के छत पर दाना डाल दिया, कर लिया आपने यज्ञ। गाय को जाकर के रोटी खिलाई, आपने यज्ञ कर लिया। ब्राह्मण को घर में बुला के सम्मान पूर्वक भोजन कराया, आपने यज्ञ कर लिया। जहां चींटियां आए, मैं थोड़ा सा बूरा डाल दिया, थोड़ा मीठा डाल दिया, हजारों चींटियों ने उसको पा लिया, हो गया आपका यज्ञ। इसलिए जीवन में छोटे छोटे यज्ञ भी करते रहना चाहिए, जिससे अनजाने में जो अपराध होते हैं उनका प्रायश्चित होता रहे। ऋषभ देव कहते हैं, तीन बातें गृहस्थियों के लिए अति आवश्यक हैं, कि वे धन कमाए नीति से, संसार में रहें रीति से, और भगवान का भजन करें प्रीति से। जिसके जीवन में रीति नीति और प्रीति का समावेश होता है, उसका ही गृहस्थ जीवन श्रेष्ठ माना जाता है। बड़ी बड़ी सुंदर शिक्षा दी, समझाया ये मनुष्य देह भगवान को प्राप्त करने के लिए, सुंदर शिक्षा दी। और फिर ऋषभ देव जी को लगा कि मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को राजगद्दी दूं और वन में जाकर के भजन करूं। श्री भरत जी को राजगद्दी दी और ऋषभ देव जी वन में अकेले ही निकल करके आए भगवान का भजन करने के लिए।
कुछ ही दिनों में इनके केश जटाओं के रूप में बदल गए, शरीर सूख गया, एक एक अस्थि का दर्शन होने लगा। अवधूत स्थिति में ऋषभदेव पहुंच गए, सम दृष्टि उनकी हो गई। एक ही मार्ग पर किसी बारात को भी निकलता हुआ देखते हैं और उसी मार्ग पर किसी की अर्थी को भी निकलता हुआ देखते हैं। ऐसी समदृष्टि, ना सुख ना दुख, प्रत्येक क्रिया में भगवान का दर्शन हो रहा है। स्नान बंद हो गया, शरीर मैला है, लेकिन भगवान के भजन के कारण दिव्य सुगंध इनके शरीर से निकल रही है। यज्ञोपवीत को धारण करके रखा है राजा परीक्षित, और कुछ दिनों के बाद चिंतन के उस ऊंचाई पर ऋषभदेव पहुंचे कि अब तो उन्होंने एक ही वृक्ष के नीचे अपना डेरा जमाया, चलना फिरना भी बंद कर दिया, अपनी दैनिक क्रिया भी उसी वृक्ष के नीचे करते हैं, लेकिन फिर भी उनके शरीर से दिव्य सुगंध निकलती है। ऐसे भगवान के प्रताप और महिमा देखने को मिली। एक दिन वन में अग्नि लगी, ऋषभदेव जी जिस वृक्ष के नीचे लेटे हैं, ये अग्नि तेजी से दौड़ती हुई उस वृक्ष की ओर आई। ऋषभदेव जी ने तो हाथ जोड़ लिए और विचार किया, अरे भगवान कितने दयालु हैं, मेरे अग्नि संस्कार की चिंता मेरे प्रभु को हुई तो अग्नि को ही मेरे पास भेज दिया, मैं अग्नि के पास ना जा सका तो अग्नि को ही मेरे गोविंद ने यहां भेज दिया, तो चलो इस अग्नि को स्वीकार करूं और अपना अग्नि संस्कार कर लूं। ऋषभदेव जी वहीं लेटे रहे और ये अग्नि तेजी से दौड़ती हुई आई, जिस वृक्ष के नीचे ये लेटे हैं उस वृक्ष को चारों ओर से घेर लिया, और देखते ही देखते उस अग्नि के अंदर ऋषभदेव जी ने अपने देह को जला करके राख कर दिया। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। परमहंस ऋषभदेव ने अपने देह का त्याग किया। श्री भरत जी राजगद्दी पर सुंदर रूप से शासन कर रहे हैं। अपने पिता ऋषभदेव के उपदेश का इन पर बहुत प्रभाव है, इसलिए जब 50 वर्ष से ऊपर की इनकी अवस्था हुई तो इन्होंने मन में विचार किया कि मैं भी अपने पिता के समान वन में जाऊं और भगवान का भजन करूं। अपने पुत्र को राजगद्दी दी और श्री भरत जी वन में भगवान का भजन करने के लिए पधारे। परम पावन हरिहर क्षेत्र में श्री भरत जी का आगमन हुआ। ये वही हरिहर क्षेत्र है जहां से परम पवित्र गंडकी नदी प्रवाहित होती है। ये वही गंडकी नदी है सज्जनों, जिसके जल में से भगवान श्री कृष्ण शालिग्राम के रूप में प्रकट होकर आते हैं। बड़ा ही ठंडा जल है, बड़ा ही ठंडा वातावरण है इसके चारों। जैसे भगवान शंकर नर्मदा नदी से नर्मदेश्वर लिंग के रूप में प्रकट होते हैं, ऐसे ही भगवान शालिग्राम गंडकी नदी से प्रकट होकर के आते हैं। इस गंडकी नदी के किनारे एक छोटी सी कुटिया बनाई और श्रीमान भरत उसी में वास करने लगे। हाँ महाराज, समय तेजी से बीत रहा है, इनके केश भी जटाओं के रूप में बदल गए, शरीर इनका भी सूख गया, गौमूत्र में दलिया बनाकर के केवल पाते हैं और भगवान का भजन करते हैं। देखो कैसा पवित्र इनका जीवन है। गंडकी नदी में स्नान करते हैं, भजन करते हैं, बस यही अब जीवन का उद्देश्य। ये गंडकी नदी जो है इसका एक नाम हिरण्यवती भी है। भीम ने जब जरासंध का वध किया तो उसके बाद श्री कृष्ण भीम और अर्जुन को लेकर के आए और इसी परम पावन गंडकी नदी में उन्होंने स्नान किया। भगवान नारायण के गंड स्थल के स्वेद बिंदु से जो नदी प्रकट है उसको ही गंडकी कहा जाता है। कई दिनों का समय बीता, आज श्री भरत जी महाराज गंडकी नदी में खड़े होकर के भगवान का भजन कर रहे हैं। तो आइए हम भी इनके साथ मिलकर के भगवान का भजन करें।
आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा प्रेम से सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पे दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पे दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। ताली बजा के प्रेम से बांके बिहारी लाल की जय हो। यहां खुशियां हैं कम और ज्यादा है गम, यहां खुशियां हैं कम और ज्यादा है गम। यहां खुशियां हैं कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम। जहाँ देखो वही है हरम ही हरम, जहाँ देखो वही है हरम ही हरम। जहाँ देखो वही है हरम ही हरम, जहाँ देखो वही है हरम ही हरम। मेरी महफिल में शम्मा चले मेरी चाहत की
पर्वत है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पर्वत है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पर्वत है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पर्वत है विशाल, हर कदम पर मुसीबत है अब तो संभाल, हर कदम पर मुसीबत अब तो संभाल, हर कदम पर मुसीबत है अब तो संभाल, हर कदम पर मुसीबत है अब तो संभाल, पैर मेरे थके हैं चले ना चले, पैर मेरे थके हैं चले ना चले, पैर मेरे थके हैं चले ना चले, ओ पैर मेरे थके हैं चले ना चले, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए, नजारा सदा चाहिए, चांद तारे फलक पे दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, 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 मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमान भरत गंडकी नदी में ठाकुर जी का भजन करते हैं नित्य प्रति। एक दिन गंडकी नदी में खड़े होकर के हाथ में माला लेकर के मेरे गोविंद का भजन कर रहे हैं। गंडकी नदी के दूसरे किनारे पर एक गर्भवती हिरणी जलपान कर रही है। अचानक वन में सिंह ने गर्जना की और भयभीत होकर के इस गर्भवती हिरणी ने गंडकी नदी में छलांग लगा दी। भय के कारण इसने बीच जलधारा में एक मृग शावक को जन्म दिया। नदी के प्रवाह में ये दोनों बिछुड़ गए और ये हिरणी दूसरे कोने पर पहुंची। भय से इसका प्राणांत हो गया। ये मृग शावक बहता हुआ आया सज्जनों और सीधे भरत जी से टकराया। जैसे ही भरत जी से मृग शावक टकराया, हड़बड़ा करके हाथ से माला छूट गई। कौन है? तो देखा एक छोटा सा मृग शावक नदी की धारा में युद्ध कर रहा है अपने प्राणों को बचाने के लिए। श्री भरत जी के मन में करुणा आ गई। साधु पुरुष संत पुरुष का ये लक्षण है, दूसरे के प्राणों की रक्षा करें। भरत जी ने सोचा यदि आज इसे ना बचाऊं तो ये मर जाएगा। मेरा धर्म यही है, मेरा भजन यही है कि मैं इसकी रक्षा करूं। ऐसा विचार करके इस मृग शावक को अपने दोनों हाथों में उठा लिया। इस मृग शावक को लेकर के श्री भरत जी अपनी कुटिया के पास आए। इस मृग शावक को रखा, डलिया लेकर के वन में दौड़ते हुए गए। वृक्ष की सूखी पत्तियों को भर करके लाए, सूखी पत्तियों के ढेर को रखा, इसमें अग्नि लगाई और इस मृग शावक को सुखाने का प्रयास करने लगे। इसको बचा लेना चाहते। कुटिया से सूती वस्त्र निकाल करके लाए, इसको पोंछने लगे। प्रभु की कृपा से मृग शावक के प्राणों की रक्षा हुई। लेकिन यहीं से श्री भरत जी के जीवन में परिवर्तन भी प्रारंभ हो गया।
ये मृग शावक इनको नहीं मिला था तो भरत जी ऐसा मानते थे कि भगवान मेरा पालन पोषण करने वाले। ये मृग शावक इनको मिल गया तो इन्होंने ऐसा मान लिया कि मैं ही इसका पालन पोषण करने वाला हूं, यदि मैं इसको नहीं ठीक से रखूं तो ये मर जाएगा। आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास, बस यही हो गया परिवर्तन। यदि श्री भरत जी इस मृग शावक को कुछ दिन के बाद वन में ही छोड़ देते तो उनका भजन चलता रहता। 100 माला रोज करते थे पहले, अब माला तो घटना चालू हो गई, 100 से 75 रह गई, 75 से 50 हुई, 50 से 25 हुई, माला घटती हुई चली गई और इस मृग शावक का भजन भरता हुआ चला गया। अपने हाथों से इसे हरी घास खिलाते हैं, इसे जल पिलाते हैं, अपने साथ इसे वन में घुमाने के लिए ले जाते हैं, रात्रि में अपने पास ही इसको सुलाते हैं और 2-4 बार उठ करके तो इसको देख ही लेते हैं। ऐसी आसक्ति श्री भरत जी की उस मृग शावक में हो गई। और आसक्ति क्या होती है आपको पता है? जो आ तो सकती है लेकिन जा नहीं सकती, उसको बोलते हैं आसक्ति। आसक्ति हो गई मृग शावक में, अब तो सोते जागते उठते बैठते बस इसी का भजन। महाराज धीरे धीरे समय बीत रहा है, ये मृग शावक बड़ा होने लगा, अब तो उछाल मार करके दौड़ने लगता है। एक दिन श्री भरत जी वन में सूखी लकड़ियों को लेने के लिए गए। वन में सूखी लकड़ियों को एकत्रित किया, गट्ठर बनाया और कंधे पर लाद करके श्री भरत जी लौट करके कुटिया की ओर आने लगे। यहां कुटिया के पास से हिरणों का झुंड निकला। इस मृग शावक ने अपने जाति वालों को देखा सो मन में उमंग आई, लगाई एक छलांग और हिरणों के झुंड में मिलके वन के अंदर प्रवेश कर गया। श्री भरत जी लौट करके आए, लकड़ियों के गट्ठर को फेंक दिया और मृग शावक को देखने के लिए आए, लेकिन मृग शावक श्री भरत जी को ना मिला। सज्जनों कुटिया के चारों ओर देखा, अरे मेरा मृग शावक कहां गया? कुटिया के अंदर भी आकर के देखा लेकिन इसको ना पाया। अरे मेरा मृग शावक कहां चला गया? मैं उसको इसी कुटिया के पास छोड़ करके गया, कौन ले गया मेरे मृग शावक को? विचित्र स्थिति श्रीमान भरत जी की हुई, नंगे चरण ही वन में दौड़ करके आए और मृग शावक को पुकारते हुए ढूंढने लगे, लेकिन ये मृग शावक ना मिला। अब तो श्रीमान भरत के नेत्रों से जल धारा बहने लगी। लौट करके आए, कुटिया में गिर पड़े, कौन ले गया मेरे मृग शावक को? अब कौन उसे जल पिलाएगा? कौन उसको हरी घास खिलाएगा? कौन उसको घुमाने के लिए ले जाएगा? अब रात में उसको उठ करके कौन देखेगा? और वन का कोई हिंसक पशु मेरे मृग शावक को मार ना दे, कहां है मेरा मृग शावक? रोने लगे जोर जोर से। हे राजा परीक्षित, श्री कृष्ण के लिए तो कभी ऐसे आंसू ना निकले, देखो एक मृग शावक के लिए श्री भरत जी के नेत्रों से कैसे आंसू निकल रहे। महाराज अस्वस्थ हो गए, कुटिया से बाहर निकलना बंद कर दिया। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतम अस्य नवा कृतम। भगवान का भजन कोई करे या ना करे, मृत्यु किसी के लिए प्रतीक्षा नहीं करती, वो निर्धारित समय पर आ ही जाती है। मृग शावक का चिंतन करते करते भरत जी की भी मृत्यु का जब समय आया, अंते मति सागति, मरते समय जिसका चिंतन होता है अगला जन्म उसी के रूप में प्राप्त होता है। अस्वस्थ भरत जी ने जब अपने शरीर को त्यागा तो श्री कृष्ण का चिंतन ना किया, मेरे गोविंद को याद ना किया, मरते समय उसी मृग शावक का चिंतन किया और उसका चिंतन करते हुए भरत जी ने
अपने शरीर को त्याग दिया। अंते मति सागति, इस अनुसार श्री भरत जी का अगला जन्म एक मृग शावक के रूप में ही हुआ। भगवान का जो कुछ वजन किया उसके कारण पूर्व जन्म की स्मृति बनी हुई है। भरत जी ने सोचा, रे एक जरा सी चूक के कारण मुझे एक जन्म और लेना पड़ गया। यदि अंत समय गोविंद का चिंतन किया होता तो मोक्ष मिल जाता। यदि श्री कृष्ण की कृपा से एक जन्म मुझे मनुष्य के रूप में और मिल जाए तो पूर्व जन्म में जो भूल मुझसे हुई है उस भूल को मैं अगले जन्म में सुधार लूं। मृग शावक के रूप में भी घूमते फिरते नहीं, एक जगह बैठे रहते हैं। और समय आने पर श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए मृग शावक के रूप में भी अपने शरीर को त्याग दिया। मेरे गोविंद की कृपा से श्री भरत जी का अगला जन्म एक अंगिरा गोत्री ब्राह्मण के यहां हुआ। इस जन्म में भी इनका नाम भरत हुआ। भरत जी को अपने पूर्व के दो जन्मों की कथा याद है, तब विचार किया इस जन्म में मैं अंध बधिर मूक के समान आचरण करूंगा, किसी से कुछ बोलूंगा ही नहीं, क्योंकि यदि कुछ बोल लिया तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर एक जन्म और लेना पड़ जाए, इसलिए किसी से नहीं बोलूंगा। समय बीतने लगा, भरत जी की अवस्था बढ़ी, 15 वर्ष से ऊपर की हुई। इनके पिता ने श्री भरत जी को गायत्री मंत्र याद करने के लिए कहा, लेकिन भरत जी महाराज ने गायत्री मंत्र याद करके अपने पिता को ना सुनाया। पिता समझाते रहे कि अरे भरत, गायत्री मंत्र याद करो। भरत जी ने सोचा, आज कहते हैं गायत्री मंत्र याद करो, कल कहेंगे सत्यनारायण भगवान की कथा भी याद कर लो, परसों कहेंगे ये भी याद कर लो, फिर वही संसार में ना जाना पड़ जाए, इसलिए मैं गायत्री मंत्र याद ना करूं। महाराज, पिता समझाते समझाते भगवान के पास चले गए, लेकिन श्री भरत जी के जीवन में कोई परिवर्तन ना आया। समय बीत रहा है, अब तो 25 वर्ष से ऊपर की अवस्था इनकी हो गई। स्वस्थ बलशाली इनका शरीर है, घर में रहते हैं, केवल भोजन करते हैं, लेकिन अंध बधिर मूक के समान आचरण करते हैं, किसी से कुछ बोलते नहीं। भरत जी के भाइयों ने कहा, अरे भरत, तू घर में पड़ा रहता है, केवल भोजन करता है, तकलीफ तो हो ही जाती है ना हमको, इसलिए चल खेत पर और कुछ काम कर, कुछ काम करने के बाद तू भोजन करे, कम से कम हमारे मन को संतोष तो रहे, चल। श्री भरत जी को खेत पर लेकर के आए और कहा, भरत, और तो तू कुछ मतलब का है नहीं, ये लाठी ले हाथ में और खेत की रखवाली कर, चिड़ियाएं खेत को ना खाने पाए, ध्यान रखियो। सिर हिला दिया, ध्यान रखेंगे। भाई चले गए और श्री भरत जी महाराज खेत पर बैठे। चिड़ियाएं आए उड़ती हुई, खेत के आसपास जो वृक्ष थे उन पर झुंड बना करके बैठ गए। पहले देखा श्री भरत जी को, फिर देखा खेत को। भरत जी ने भी देखा पहले चिड़ियाओं को, फिर देखा खेत को, फिर सोचा राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेठा, मैं रोकने वाला कौन होता हूं। महाराज चिड़ियाएं तोड़ती हुई आई और पूरे के पूरे खेत को खा करके वहां से चली गई और कह रहे, ये तो बिजुका से भी गया बीता है, लाठी लेके बैठा है, हमको रोकता ही नहीं। पूरे खेत को खा करके चिड़ियाएं चली गई और श्री भरत जी दूर से बस देखते रहे, क्योंकि उनको प्रत्येक चिड़िया के अंदर अपने परमात्मा का दर्शन हो रहा है, उनकी दृष्टि जरा भिन्न है। गौधूली वेला में भरत जी के भाई खेत पर आए, राम 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 राम। अरे भरत, ये इतना छोटा सा काम भी तू ना कर पाए ठीक से। भैया अंतिम अवसर देते हैं, हाँ कल खेत में तुझे इस स्थान पर गड्ढा खोदना है, और इस बार यदि ये काम ना हुआ तो तेरे को घर से बाहर कर देंगे, समझ लेना। भरत जी के मन में तो प्रसन्नता हो गई कि आ गया समय बंधन मुक्ति का, कल मुक्त हो जाऊं इस बंधन से और वन में जाकर के गोविंद का भजन करूं। महाराज
रात्रि के समय श्री भरत जी अपने घर गए। अगले दिन खेत में आए, सोचा आज यहाँ गड्ढा खोदने को कहते हैं, कल कहेंगे वहां गड्ढा खोदो, परसों कहेंगे वहां गड्ढा खोदो, तो चलो लक्कर के पूरे खेत को ही खोद डालता हूं। और श्री भरत जी महाराज लग गए, पूरे के पूरे खेत को ही खोद डाला, बैठ गए। भरत जी के भाई आए, माथे को पकड़ लिया, अरे भरत, तेरा नाम भरत नहीं, तेरा नाम तो जड़ भरत होना चाहिए, तू जड़ है, जड़वत तेरा आचरण है भैया। अब तुझे घर में खाली बैठा के हम खिला नहीं सकते, जा तुझे घर से बाहर निकालते हैं, खुद कमा और खुद खा। श्री जड़ भरत जी महाराज को और क्या चाहिए, बंधन मुक्त हुए परिवार के और अवधूत के समान वन में ही विचरण करने लगे। कुछ दिनों के बाद तो स्नान करना भी बंद कर दिया, ऋषभ देव के समान स्थिति श्री जड़ भरत जी की हो गई, सम दृष्टि हो गई, शिखा है, यज्ञोपवीत है, लेकिन शरीर मेला है, भगवान के भजन के कारण शरीर से दिव्य सुगंध निकल रही है। और श्री जड़ भरत जी जिस दिशा की ओर जाते उस दिशा में पहले से ही सुगंध चारों ओर फैल जाती है। समय बीत रहा है, अपने जीवन के 40 बसंत इन्होंने देख लिए। वन में डाकुओं का सरदार रहता है, भद्रकाली के सामने पुत्र प्राप्ति के लिए इसने एक मनुष्य की बलि चढ़ाने का निश्चय किया। महाराज, इसके सेवक वन में विचरण कर रहे श्री जड़ भरत जी महाराज को ही पकड़ करके ले आए। और जब सरदार ने भद्रकाली के सामने श्री जड़ भरत की बलि चढ़ाने का प्रयास किया, भद्रकाली अपने विग्रह से प्रकट होकर के आई, बोलिए भद्रकाली मैया की जय। सरदार के हाथ से खड़क को छीन लिया, एक एक करके समस्त डाकुओं के सिरों को धड़ से अलग किया, मुन्नों से खेल करने लगी, रक्त का पान करने लगी, और श्री जड़ भरत को बंधन मुक्त करके भद्रकाली अपने विग्रह के अंदर समा गई। मारने वाले तो सब मरे पड़े हैं, अब डाकू पकड़ लाए, इससे श्री जड़ भरत को कोई दुख नहीं, और भद्रकाली ने बचा लिया, इससे उनको कोई सुख नहीं, वे तो अवधूत हैं, बस नंगे चरण वन में घूम रहे। एक दिन सिंधु सौवीर देश के राजा रहुगण पालकी में सवार होकर के परीक्षित भगवान कपिल का सत्संग करने के लिए जा रहे हैं। चार कहार पालकी को उठा करके चल रहे हैं। उनमें से एक कहार अस्वस्थ हो गया, बाकी के कहारों ने पालकी को नीचे रखा, तो राजा रघुवण ने अभिमान में भर के पूछा कि अरे ये पालकी नीचे क्यों रख दी? कहा, महाराज हमारा एक साथी अस्वस्थ हो गया है, अब ये पालकी हम तीन जने कैसे उठा पाएंगे? करे इसमें भी क्या पूछने की बात, ये सारी प्रजा मेरे लिए नौकर के समान है, जो इस मार्ग पर सबसे पहले आता हुआ दिखाई दे पकड़ के मेरी पालकी में जोत दो और चलो, मुझे भगवान कपिल का सत्संग करने जाना है। अब ये तीन कहार प्रतीक्षा करने लगे कि इस मार्ग पर सबसे पहले कौन आवे, और सौभाग्य से सबसे पहले श्री जड़ भरत जी महाराज उस मार्ग पर निकल करके आए। तीनों कहारों ने देखा, फिर एक दूसरे की ओर देख के कहा, देखो ये मोटा बाबा आता है ना सामने से, इसको ही पकड़ के जोत लेते हैं पालकी में, बस इसको तो आगे लगाएंगे, अपन तो पीछे से थोड़ा हाथी लगाते रहेंगे, बाहर इसी के कंधे पे रहेगा, हाँ हाँ इसी को लगा लेते हैं। श्री जड़ भरत जी जैसे ही पालकी के पास आए, तीनों कहारों ने कहा, ओ बाबा पालकी उठाओगे? सिर हिला दिया, हाँ उठाएंगे। अरे ये तो मान भी गया, चलो चलो इसे पालकी में लगाओ आगे। श्री जड़ भरत जी को पालकी में सबसे आगे लगाया, चारों ने पालकी उठाई और चलने लगे। परीक्षित, इतने महान ज्ञानी जड़ भरत एक साधारण से संसारी राजा की पालकी को कंधे पर उठा के चल रहे, देखो जरा विडंबना। लेकिन श्री जड़ भरत जी महाराज का एक नियम है सज्जनों, वे जब मार्ग पर चलते हैं तो 5 हाथ आगे की भूमि देख के चलते हैं, और यदि कोई छोटा सा कीड़ा भी मार्ग पर आ जाए तो उसको बचाने के लिए वे उछल जाते हैं,
अब ना तो ये नियम बाकी के कारों को पता और ना ये नियम बेचारे राजा रघुगण को पता, वो तो पालकी के अंदर ही है। कंधे पर पालकी को रख करके श्रीमान जड़ भरत आ रहे हैं, उसी समय मार्ग पर एक छोटा सा कीड़ा निकला। श्री जड़ भरत की दृष्टि जैसे ही कीड़े के ऊपर गई, सो इसको बचाने के लिए वे जोर से उछले, पालकी उछली और रघुगण का सिर जोर से जाके पालकी में टकराया, मुकुट गिर गया। कहा, अरे ये पालकी कैसे उछलती है? सिर बाहर निकाला, तीनों कहार तो भय से थर 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 कांपने लगे। कहा, महाराज हमारा दोष नहीं, ये मोटा बाबा आगे लगाए उछल जाता है। देखा जड़ भरत की ओर, क्यों मेरे राज्य में पहली बार आए हो क्या? इतना मोटा ताजा शरीर लेके पृथ्वी पर भार बने हो, ऐसा लगता है पालकी का सारा भार तुम्हारे ऊपर ही है। ये बाकी के तीन कार कुछ करते नहीं। सावधान, पालकी अब ठीक से चले। श्री जड़ भरत जी ने कोई भी उत्तर ना दिया, फिर उठाया पालकी को और चलने लगे। थोड़ी आगे जैसे ही पहुंचे, एक छोटी सी चींटी चावल के भारी दाने को उठा के मार्ग पार कर रही है। श्री जड़ भरत जी ने उस चींटी को देखा, सो से बचाने के लिए इस बार तो और भी जोर से उछले, पालकी भी जोर से उछली और रघुगण का सिर जोर से जाकर के टकराया, मुकुट गिर गया, केश खुलकर के बिखर गए और राजा के माथे से रक्त की धारा बहने लगी, सिर बाहर निकला। कहा, क्यों? कारों ने कहा, हमारा दोष नहीं, वही आगे वाला उछलता है बार बार। कहे, मेरे राज्य में पहली बार आए हो क्या? राजा की आज्ञा की अवहेलना करता है तो क्यों ना तेरी उचित चिकित्सा कर दूं, जो मेरी बात तेरी समझ में आ जाए। महाराज, जैसे ही चिकित्सा की बात कही, श्री जड़ भरत जी की आंखों से अश्रु धारा बहने लगी। रख दिया पालकी को नीचे और मुख मोड़ करके रघुगण की ओर देखने लगे। राजा रघुगण भी पालकी से निकल करके बाहर आ गए। श्री जड़ भरत ने आज जीवन में पहली बार बोलना प्रारंभ किया। मन में विचार किया श्री जड़ भरत ने कि जिस राजा की पालकी मैंने अपने कंधे पर उठाई, यदि वो अज्ञानी का अज्ञानी ही बना रहा तो आगे आने वाला संसार क्या सोचेगा कि जड़ भरत ने जिसकी पालकी उठाई वो राजा अज्ञानी ही रहा। जन्म लेने के बाद जो आज तक किसी से कुछ ना बोले, आज जीवन में पहली बार बोलने जा रहे हैं। पूर्व जन्म में जिस मृग शावक में आसक्ति थी, वही राजा रघुगण के रूप में जन्म लेके आया है, इसलिए इसके मंगल के लिए श्री जड़ भरत आज जीवन में पहली बार बोलने जा रहे हैं। आंखों से जल धारा बह रही है और श्री जड़ भरत ने बोलना प्रारंभ किया। कहा, राजन, तुम्हारी कोई भी बात मुझे समझ में ना आई। तुमने कहा मोटा ताजा शरीर लेके पृथ्वी पर भार बने हो, ऐसा लगता है ये पालकी का सारा भार तुम्हारे ही कंधे पे, ये तीन कहार कुछ करते नहीं। राजन, भार तो उसको होगा जो तेरी पालकी को उठाएगा, मैंने तो तेरी पालकी उठाई ही नहीं, तो बता मुझे भार कैसा होगा। राजन, मोटा होना, पतला होना, काला होना, गोरा होना, लंबा होना, छोटा होना, ये शरीर के धर्म हैं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैंने तेरी पालकी उठाई नहीं, तो बता तेरी पालकी से मुझे कैसा श्रम होगा। दूसरी बात तुमने कही कि मेरी आज्ञा की अवहेलना करते हो, क्यों ना तुम्हारी उचित चिकित्सा कर दूं। क्या करोगे मेरी चिकित्सा? क्या दंड दोगे मुझे? गेहूं को पीसते पीसते मैदा बना दिया, मैदा को पीस के क्या बनाना चाहते हो? फूल को पीसते पीसते इत्र बना दिया, इत्र को पीस करके क्या बना लेना चाहते हो? क्या चिकित्सा करोगे मेरी? क्या दंड दोगे तुम मुझको? राजन, तुम्हारी ये बात भी मुझे समझ में ना आई। पृथ्वी का एक टुकड़ा मैं, दूसरा टुकड़ा ये पालकी, पृथ्वी का एक टुकड़ा तुम, एक टुकड़े पर दूसरे को रखा, दूसरे पर तीसरे को रखा, तो बताओ ऊपर वाले टुकड़े से नीचे वाले टुकड़े को कैसा श्रम होगा। राजन, तुम्हारी कोई भी बात मेरी समझ से परे है। तुम ज्ञानी बनते हो लेकिन तुम्हारी बातों में अज्ञानी होने का ही लक्षण है।
समझ गए राजा रहुगण ये साधारण पालकी उठाने वाला नहीं, कोई पहुंचा हुआ ज्ञानी है, परमहंस है। मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, अभिमान में भर के इनका अपमान किया। चरणों में गिर गए रहुगण, रोने लगे और कहा कि अपना परिचय दीजिए, हे अवधूत आप कौन हैं? विभर्ष सूत्रम कतमोवधूतः, कौन है आप? कहीं आप विश्वामित्र जी तो नहीं? कहीं आप वशिष्ठ ऋषि तो नहीं? कहीं आप भगवान कपिल तो नहीं जिनका सत्संग करने के लिए मैं जा रहा हूं? श्री जड़ भरत ने कहा, राजन ये बात भी मेरी समझ में ना आई कि मैं कौन हूं, तुम कौन हो, तुम कौन हो, मैं कौन हूं? क्या परिचय दूं मैं अपना? क्या मैं तुमसे अलग हूं जो अपना कुछ नया परिचय तुमको दे दूं? सूर्य के नीचे 100 घड़ों में जल भर के रखा तो प्रत्येक घड़े में राजन सूर्य के प्रतिबिंब का दर्शन होगा, लेकिन यदि 100 घड़ों में सूर्य के 100 प्रतिबिंब हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि आकाश में सूर्य भी 100 हो गए। ऐसे ही हम सबके शरीर घड़े के समान हैं और इसके अंदर परमात्मा के प्रतिबिंब के रूप में ही आत्मा है। मूल हमारा एक है तो मैं क्या परिचय तुमको नया दूं? जो मैं हूं वो तुम हो, जो तुम हो वो मैं हूं, मुझमें तुम में, तुम में मुझमें, किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। राजा रहुगण ने कहा, भगवन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि शरीर का संबंध किससे है, थोड़ा मुझे बताइए। श्री जड़ भरत जी महाराज ने कहा, शरीर का संबंध इंद्रियों से है राजन, इंद्रियों का संबंध बुद्धि से है और बुद्धि का संबंध आत्मा से है। रहुगण ने कहा, बिल्कुल सत्य है भगवन, यदि ये संबंध है तो फिर शरीर श्रम करता है तो इंद्रियों को भी श्रम होता है, इंद्रियां श्रम करती हैं तो बुद्धि को भी होता है, और बुद्धि को श्रम होता है तो आत्मा को भी होता होगा। लेकिन आपने कहा मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, मुझे कोई श्रम नहीं, बात समझ में ना आई। यदि हमने चूल्हे पर पात्र रखा, उसमें जल डाल दिया भगवन, चूल्हे में मैंने अग्नि जलाई, अग्नि से पात्र गर्म हुआ, पात्र से जल गर्म हुआ और उस जल में मैंने चावल डाल दिए तो वो चावल भात बन जाएंगे? श्री जड़ भरत ने कहा, सुनो राजन, यदि चूल्हे पर मैंने पात्र रखा, उसमें जल डाला, चूल्हे में अग्नि लगाई, पात्र गर्म हो गया, जल भी गर्म हुआ और जल में मैंने चावल के स्थान पर पत्थर के टुकड़े डाल दिए तो क्या ये पत्थर के टुकड़े भात बन जाएंगे? कहा, भगवान ऐसा तो नहीं हो सकता। बोले, बस ऐसे ही हमारी आत्मा है, शरीर से संबंध होने के बाद भी इसका शरीर से कोई संबंध नहीं है। शरीर जो कुछ करता है हमको लगता है हम ही कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो शारीरिक क्रिया मात्र ही होता है, आत्मा कुछ करती नहीं है। राजन सत्संग करने जा रहे हो, मन से अभिमान को निकालो। देखो पूर्व जन्म में मैं भी भरत नाम का राजा था, एक मृग शावक में आसक्ति हुई तो उसके रूप में जन्म लिया, उसके बाद अगला जन्म मेरा ये अंगिरा गोत्री ब्राह्मण के यहां हुआ। कितने जन्म में मैं राजा बना हूं, कितने जन्म में तुम राजा बने हो, इसको कोई गिन नहीं सकता। तो तुम्हारे मन में ये जो अभिमान है कि सारी प्रजा मेरी नौकर के समान है, इसको अपने मन से बाहर करो। सत्संग करने जा रहे हो तो सत्संग की बातों को जीवन में धारण भी करो। ऐसा उपदेश किया राजा रहुगण का तो पूरा का पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। श्री जड़ भरत जी महाराज वन में प्रवेश कर गए और राजा रहुगण भगवान कपिल का सत्संग करने के लिए पधारे। महाराज शेष जीवन भगवान के भजन में ही इन्होंने व्यतीत किया। इसके बाद सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया।